नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली, प्रेमी संग होटल में रुकी प्रेमिका को आया दूसरे लड़के का फोन तो ले ली जान, आरोपी यूपी से गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में युवती की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी शिवम चौहान 28 के रूप में की गई है। आरोपी ने ही होटल का कमरा अपने नाम से बुक किया था और घटना के बाद से फरार चल रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी शिवम चौहान 25 फरवरी को होटल में प्रेमिका के साथ पहुंचा था। उसकी प्रेमिका के मोबाइल फोन पर कोई उत्कर्ष नाम का युवक लगातार फोन कर रहा था, जिसको लेकर शिवम को गुस्सा आ गया और उसने युवती के सिर को फर्श में पटक दिया, जिसके बाद युवती बेसुध हो गई। घटना के बाद आरोपी मौका देख फरार हो गया था। युवती की मौत होने की जानकारी बीते 27 फरवरी को पुलिस को मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रेमी की तलाश शुरू कर दी थी। संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर पुलिस ने आरोपी शिवम चौहान को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त गौरव शर्मा ने बताया कि युवती किशनगढ़ वसंत कुंज की रहने वाली थी। वो गाजियाबाद के रहने वाले शिवम चौहान से बीते 4 साल से प्यार करती थी। वो शिवम के साथ 25 फरवरी को वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में पहुंची थी। इसी बीच 27 फरवरी को पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवती कमरे में बेसुध पड़ी है, उसकी सांसें थम चुकी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम युवती को पास के अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई थी। पुलिस को शुरुआती छानबीन में पता चला कि उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट के निशान नहीं है। हालांकि पुलिस के शक की सुई उसके प्रेमी पर ही टिकी हुई थी। वो घटना के बाद से फरार चल रहा था और उसका मोबाइल फोन भी बंद था। पुलिस की टीम ने आरोपी के बारे में जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो गाजियाबाद स्थित अपने घर नहीं पहुंचा है। टेक्निकल सर्विलेंस और अन्य माध्यमों से पता चला कि आरोपी इस वक्त मित्रौली उत्तर प्रदेश में किसी जानकार के घर में छुपा हुआ है। पुलिस ने उस संभावित ठिकाने पर छापेमारी की और आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी शिवम चौहान ने बताया कि जब वो युवती के साथ होटल के कमरे में था तो उसे उत्कर्ष नाम के युवक का लगातार फोन आ रहा था। जब उसने उत्कर्ष के बारे में पूछा तो युवती ने बताया कि वो उसकी बहन का दोस्त है, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वो उसकी बहन का दोस्त नहीं है, जिसके बाद वो गुस्से में आ गया और उसने युवती का शव फर्श पर पटक दिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।